जनता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास, अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कोलकाता, जहां हो रही है तैयारियां इको फ्रेंडली शादी की। यूं तो आप कई शादियों में शामिल हुए होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस इको फ्रेंडली शादी की जिसकी चर्चा आजकल देश भर में है। इस शादी की खासियत ये है कि इसमें किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। पर्यावरण रक्षा के लिए भाषण देते हुए आपने पर्यावरणविदों को अक्सर देखा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का साहस किया। पश्चिम बंगाल के मशहूर पर्यावरणविद सुभाष दत्ता ने अपने बेटे की शादी में किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हो। सुभाष ने शादी की तैयारी के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए मिट्टी और पत्तों से बने बर्तनों की व्यवस्था की है। सुभाष दत्ता के मुताबिक ये शादी पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक उदाहरण साबित होगी। I do feel that environmentalists, they give lectures, they don't do. By doing that, I don't know how far I'll be able to do this thing, but by making this attempt to do, I want to give a message to others, don't say, start doing. And that is my message. इस शादी में दूसरी शादियों की तरह न तो बैंड बाजों का शोरगुल होगा और न ही आंखों को चकाचौंध करती लाइटिंग, बल्कि शादी में रोशनी के लिए सोलर लाइट का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही मेहमानों के आने जाने की सुविधा के लिए बैटरी से चलने वाली बसों का इंतजाम किया जाएगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि राज्य में ऐसी शादी पहली बार होगी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक मिसाल कायम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात महिलाओं के नए कदम की। बदलते दौर में आज महिलाएं हर क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं ने अब नए व्यवसाय के तौर पर ड्राइविंग को अपनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं को ड्राइविंग में सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है गैर सरकारी संस्था आजाद फाउंडेशन ने, जो गरीब महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। जिंदगी की स्टीयरिंग संभालने वाली महिलाओं ने अब गाड़ी की स्टीयरिंग थाम ली है। उनके इस हौसले को परवान चढ़ाने में मदद कर रही है गैर सरकारी संस्था आजाद फाउंडेशन, जो दिल्ली के कई पिछड़े इलाकों से लड़कियों और महिलाओं को चुनकर गाड़ी चलाना सिखाती है। संस्था इन गरीब महिलाओं को साल भर तक ड्राइविंग की कड़ी ट्रेनिंग देती है। इसके साथ ही इनको अंग्रेजी बोलना और सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखाए जाते हैं, जिससे ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ड्राइविंग में निपुण कई लड़कियां आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और वो ड्राइवर के तौर पर नौकरी कर अपना और अपने परिवार का खर्च चला रही हैं। इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो किसी न किसी कारण से अपनी स्कूली पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाई, लेकिन ड्राइविंग की ट्रेनिंग ने इनको समाज में अपने बलबूते पर जीने की एक नई राह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमर कस ली है। ओबामा ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेटने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक बार फिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। ओबामा के प्रचार अभियान में सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद पर कब्जा जमाने के लिए जबरदस्त साइबर प्रचार करने का फैसला किया है। मिशन 2012 के लिए ओबामा ने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को चुनावी रंग से सराबोर करवा दिया है। इन दोनों अकाउंट्स का प्रबंधन ओबामा के चुनाव प्रचार सहयोगी देख रहे हैं। ओबामा के फेसबुक अकाउंट्स पर लिखा गया है, इस फेस पर अब वॉशिंगटन और अन्य स्थानों पर किए जा रहे प्रचार अभियान की ताजा जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इस पेज पर ओबामा की नई तस्वीर लगाई गई है जिस पर 2012 लिखा है। ओबामा के सहयोगियों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किया गया ये बदलाव राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी देने और करोड़ों लोगों को अपने चहेते नेता से जुड़ने का मौका देगा। ओबामा साइबर जगत के बेहद लोकप्रिय राजनेता है।
फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़े रहने वाले नेताओं में ओबामा शीर्ष पर हैं। ओबामा के फेसबुक पेज को करीब 2,17,00,000 से अधिक लोगों ने पसंद किया है, जबकि ट्विटर पर उनके 87,00,000 से अधिक फॉलोअर हैं। 2008 में परिवर्तन का नारा बुलंद कर चुनाव जीतने वाले ओबामा को पिछले चुनाव की तरह आगामी चुनाव में सोशल नेटवर्किंग साइट्स कितना फायदा पहुंचाती है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अबाद विंबलडन जीतने का ख्वाब देख रहे युवाओं की। टेनिस का शुमार फुटबॉल के बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में होता है और इसमें नाम के साथ साथ पैसा भी काफी है। इसी नाम और पैसे ने भारतीय युवाओं को टेनिस की ओर आकर्षित किया है। राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लियांडर पेस और सोमदेव बर्मन बनने की ललक में ये बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पसीना बहा रहे इन खिलाड़ियों को अपने मेहनत पर पूरा विश्वास है कि वे एक दिन जरूर कामयाब होंगे और सोमदेव देवबर्मन, सानिया मिर्जा, लियांडर पेस और महेश भूपति जैसे खिलाड़ी बनकर भारत का नाम रोशन करेंगे और पूरे विश्व में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। इन युवा खिलाड़ियों को टेनिस की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ी इनामी राशि के कारण इन्हें स्कोप दिख रहा है और ये युवा इसे करियर के रूप में ले रहे हैं। मैं टेनिस इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं एक बड़ा खिलाड़ी बन सकूं और मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। इन खिलाड़ियों के हौसले देखकर इनके कोच भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। ये युवा खिलाड़ियों को सिखाने में पूरी जी जान से ये लगे हुए हैं। पेनिनसुला टेनिस अकेडमी के चेयरमैन बॉबी सिंह टेनिस के प्रति बढ़ती लगन और बदले हुए नजरिए को देखकर कहते हैं, अब चांस आ गया इंडिया का। पहले बूम था ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, फिर यूरोप, अब इंडिया में और एशिया में ये टेनिस का बूम है। चाइना इतना अच्छा कर रहा है, लीना ने जीता है, अब पूरे इंडिया को उससे फायर कर रहा है कि अगर चाइना से कोई जीत सकता है, हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। भारत में अब क्रिकेट ही नहीं, टेनिस की भी जड़ें मजबूत होने का ये खासा संकेत है। लेकिन बदलते भारत की इस तस्वीर से इन भारतीय युवा खिलाड़ियों से उम्मीद की जा सकती है कि विंबलडन का अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर एक नया परचमी खिलाड़ी लहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। पुराने सिक्के और नोट किसी भी देश की आर्थिक विरासत का अभिन्न अंग होते हैं और इन्हें इकट्ठा करने के शौक से वक्त बेवक्त अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सिक्के की वैल्यू हमेशा उसकी उम्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सिक्के की हालत, इसका दुर्लभ होने के साथ साथ इसके मेटलिक वैल्यू पर इसकी कीमत तय होती है। इस आर्थिक विरासत को जमा करने के शौक पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अलीगढ़ हिंदुस्तान के प्राचीन शहरों में से एक और अपने तालों के लिए दुनिया भर में मशहूर। इस शहर में रहने वाला 14 वर्षीय रोशन के घर में पुराने सिक्कों और नोटों की भरमार है। रोशन महज 5 वर्ष की उम्र से ही पुराने नोट एवं सिक्कों को जमा कर रहा है। रोशन इनका एक संग्रहालय बनाना चाहता है। मुनाफा कमाना रोशन का उद्देश्य नहीं है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस विरासत से परिचित कराया जा सके। मैं जब तक मेरे पास हर तरीके का इंडियन एंटीक नहीं हो रहा था, मैं जब तक ये कलेक्शन करता रहूँगा। उसके बाद मैं अपने पापा के नाम से एक म्यूजियम, क्योंकि अब वो नहीं है, उनकी भी हर चीज़ और एक अपने करेंसी के लिए उसमें अलग सेपरेट पार्ट बना के उसमें ये सब कलेक्शन अपन लगाऊंगा। 51, 52, 10 पैसे, 5 पैसे के साथ साथ आगामी 1 जुलाई से बंद हो रहा है 54 भी, यानी 25 पैसे का सिक्का। 25 पैसे का सिक्का आने वाले कल में दुर्लभ हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को अपनी इस आर्थिक विरासत से परिचित कराने के लिए हम सबको रोशन या किसी और संग्रहालय में ही जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास से जुड़ी विशेष योजनाओं के जल्द ऑडिट का आदेश दे दिया है। सरकार ने ये कदम इस बात की जानकारी मिलने के बाद उठाया है कि इन इलाकों में पिछले कई दशकों से ज्यादा काम महज 7 महीनों में पूरा हुआ है और विकास से जुड़ी 71,000 छोटी परियोजनाओं में 1/4 को अंजाम पर भी पहुंचा दिया है। घरों में काम कर अपना खर्च चलाने वाले नौकरों के लिए अब एक खुशखबरी है। सरकार इनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
जिसके अंतर्गत 50 लाख पंजीकृत घरेलू श्रमिक 30,000 रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चला रही है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को 30,000 रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कैबिनेट ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए घर में काम करने वाले नौकरों को भी इसमें शामिल कर लिया है। अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको चाय घातक बीमारियों से बचा सकती है। शोध में ये बात साबित हो चुकी है और अध्ययन में पाया गया है कि रोज 1 कप चाय पीने से कैंसर की आशंका कम रहती है। हालांकि इसके पहले शोध में पाया गया था कि चाय में गुणकारी एंटीऑक्सीडेंट और हाई फ्लेवोनाइड तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर की बीमारी के साथ ही दिल की बीमारी का खतरा कम करने में सहायक है। ताजा अध्ययन में सामने आया है कि काली चाय कैंसर के उपचार में मददगार साबित होती है। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पाया है कि थिप्लेफिन 2 नाम का रसायन सिर्फ काली चाय में और चीन में पाए जाने वाली उलिंग चाय में पाया जाता है, जो कैंसर के सेल्स को मारने में मददगार होता है। तोते को इंसान की आवाज की नकल करने के लिए जाना जाता है। नए अध्ययन में पता चला है कि इस नन्हे पक्षी का दिमाग दूसरे पक्षियों से ज्यादा तेज चलता है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि तोते अपने एलिमिनेशन स्किल का इस्तेमाल कर छिपा कर रखे गए खाने का पता लगा लेते हैं। ऐसा 4 साल के इंसानी बच्चे भी कर पाते हैं। इसका मतलब है कि तोते में भी 4 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है। लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को 2 साल बाद दोबारा भारत में पार्कर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। कंपनी ने 2 साल की डील साइन की है। नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ बच्चन और पार्कर का रिश्ता 1 दशक का हो जाएगा। कंपनी जल्द ही अमिताभ बच्चन के साथ नया विज्ञापन कैंपेन शुरू करेगी। बाबा चंबियाल की दरगाह पर हर साल लगने वाले इस मेले का नजारा देखते बनता है। भारत पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे से करीब लाने वाला ये मेला बरसों से चला आ रहा है और यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जहाँ एक तरफ बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाकर लोग अमन और शांति की दुआ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने रोगों से निजात भी पाते हैं। यहाँ की पूज्य मिट्टी और पानी को वो अपने घर ले जाते हैं। वहाँ मिलने वाली शक्कर और शरबत भी त्वचा रोगों से निजात दिलाती है। इस मेले की खासियत ये है कि साल में सिर्फ 1 दिन जीरो लाइन पर रहने वाले लोग बगैर किसी रुकावट के एक दूसरे से मिल सकते हैं। भले ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आज भी कड़वाहट हो, मगर इस मेले के मौके पर सरहदें टूट जाती हैं। जहां भारत में मॉनसून देर से आने की जानकारी मौसम वैज्ञानिकों ने दी है, वहीं देश के कुछ भागों में लोग जल्द बारिश होने के लिए भगवान से दुआएं भी मांगने लगे हैं। इसके लिए तरह तरह के टोटके भी करने शुरू कर दिए गए हैं। असम के शिवसागर जिले के गांव में अच्छी बारिश के लिए एक अनोखी शादी रचाई गई। इस शादी में दूल्हा दुल्हन मेढक थे। इस शादी में करीब 500 लोग शामिल हुए। शादी को बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से पंडित जी ने संपन्न करवाया। गाँव वालों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और बहुत अच्छी बारिश होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में SHUBH शुभ और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.co.in पर भी मेल कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल फन सिनेमा, पहली मंजिल मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।